हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्टडी सर्कल। आज की वीडियो हमारी 30 डे वोकैबुलरी सीरीज की डे 15 वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला वर्ड है प्रॉस्पर, PROSPER, प्रॉस्पर, जिसका मतलब है सफल होना या समृद्ध होना। एग्जाम्पल देखिए, वी एम टू क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच ऑल स्मॉल बिजनेसेस कैन प्रॉस्पर। वी एम टू क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच ऑल स्मॉल बिजनेसेस कैन प्रॉस्पर, मतलब कि हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सभी छोटे से छोटे बिजनेस जो होते हैं उनको समृद्ध किया जा सके, यानी समृद्ध हो सके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर मतलब कि दीर्घ आयु और समृद्ध रहें। ये सेंटेंस हम किसी को तब बोलते हैं जब किसी को दुआ देना होती है, यानी कि ब्लेसिंग्स देनी होती है। दीर्घ आयु मतलब कि आपकी उम्र लंबी हो, और समृद्ध का मतलब होता है आपको हर खुशी मिले, आप समृद्ध रहें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा प्रिजर्व, PRESERVE। प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना या फिर बनाए रखना। एग्जाम्पल देखिए इसको किस तरह से यूज करेंगे। ही हैज एंग्शियस टू प्रिजर्व हिज रेप्यूटेशन। He has anxious to preserve his reputation. मतलब कि वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उत्सुक था। Anxious means होता है चिंतित होना, या फिर हम कह सकते हैं उत्सुक होना। एक और एग्जाम्पल देखो, We will do everything to preserve peace. We will do everything to preserve peace. मतलब कि हम शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा सैनिटी, सैनिटी SANITY। सैनिटी मीन्स होता है समझदारी, या फिर हम कह सकते हैं मानसिक संतुलन। इसको आप मेंटली बैलेंस्ड भी कह सकते हो। एग्जाम्पल देखिए इसको किस तरह से यूज करेंगे। I began to doubt his sanity। मतलब कि मुझे उसकी समझदारी पर संदेह होने लगा, यानी कि शक होने लगा। एक और एग्जाम्पल देखो, There were moments when he doubted his own sanity। मतलब कि ऐसे पल थे जब उन्होंने अपनी खुद की समझदारी पर संदेह किया, यानी कि शक किया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा नोशन, NOTION। नोशन मीन्स होता है धारणा, या फिर हम कह सकते हैं विचार। जैसे कि धर्म को लेकर के मेरी धारणा कुछ और है, किसी और की धारणा कुछ और है, आपकी धारणा कुछ और है। धारणा मीन्स विचार कह सकते हैं आप। अब एग्जाम्पल देखिए इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। At first I scoffed at the notion। मतलब कि सबसे पहले मैंने इस धारणा का मजाक उड़ाया। Scoff means मजाक उड़ाना। एक और एग्जाम्पल देखिए, He has a notion that I am cheating on him। मतलब कि उसकी धारणा है, उसका विचार है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्कली, BRISKLY। ब्रिस्कली मीन्स होता है तेजी से, स्पीडली। अब एग्जाम्पल देखिए इसको किस सेंस में यूज किया जाएगा। He rubbed his face briskly with a towel। मतलब कि उसने तौलिया से अपना चेहरा जोर से रगड़ा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, Walking briskly can burn off a lot of calories। मतलब कि तेज चलने से बहुत अधिक कैलोरी बर्न होती है, यानी कि बहुत फास्ट चलने से, दौड़ने से भी कह सकते हो, बहुत तेजी से कैलोरी बर्न होती है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रॉस्पर, प्रॉस्पर मीन्स सफल होना, या फिर हम कह सकते हैं समृद्ध होना। दूसरा वर्ड था हमारा प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना, या फिर हम कह सकते हैं बनाए रखना। थर्ड वर्ड था हमारा सैनिटी, सैनिटी मीन्स समझदारी, या फिर हम कह सकते हैं मानसिक संतुलन। और फोर्थ वर्ड था हमारा नोशन, नोशन मीन्स धारणा या फिर विचार। और लास्ट फिफ्थ वर्ड था हमारा ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मीन्स तेजी से। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो हमारी 30 डे वोकैबुलरी सीरीज की डे 15 की वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देखिए। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।